हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी छोटे फटे पुराने कपड़े से गुदड़ी बनाना। ये देख सकते हैं जो हमारे छोटे बच्चों कपड़े पुराने हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम फेंकने से पहले हम क्या करें, छोटे बच्चों कपड़े हम फेंक नहीं सकते। तो आइए आज मैं आपको बताऊँगी सुंदर सा गद्दे बनाना। तो ये देखिए, अगर हम इसका गुदड़ी बना लेंगे तो हम आराम से बिस्तर में यूज कर सकते हैं, हमारा कपड़ा भी अच्छे से यूज हो जाएगा, हम फेंक नहीं सकते इसको। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, तो इसको बनाने से पहले हमें इसका जो गांठे वाले कपड़े हैं, हमें इन कपड़ों को काट लेना है। जैसे कि हमारे मोहड़ी है, इसके कॉलर है, जिसमें हमारे बटन वटन लगे होते हैं, इसका बटन मैंने कट कर लिया था पहले से ही। ये देखिए, इसमें हमारा कोई बटन नहीं है। हमारा पैंट है, तो इसका जो लास्टिक होता है, हम इस लास्टिक को कट कर लेंगे, या फिर अगर कहीं मोटा सिलाई तो मोटा सिलाई कट कर लेंगे। इसमें कहीं जेब वेब होता है, जेब कट कर लेना है। इसी तरीके से इसमें जितनी हमारी मोटी सिलाई है, हम सारे मोटे सिलाई को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे सब पैंट है, तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे सारे कपड़े कटिंग हो चुके हैं। आपको इसमें सारे मोटे कपड़ों को निकाल लेना है, ताकि अगर आपका सुई इसमें छेद नहीं पाएगा, फिर आपका गुदड़ी बन नहीं पाएगा। मैं दो कलर की साड़ी से बना रही हूँ, आप चाहे तो एक कलर की साड़ी से भी बना सकते हैं, मेरे पास एक जैसा साड़ी नहीं था। तो ये देखिए, हमें इसको जितना लंबा आपको बनाना है, जितना लंबा जो आप उसको अपने बेड या तख्त का माप ले सकते हैं, या खाट का, उसके हिसाब से आप बनाइए। उसके बाद हमें इसको यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमें इसको थैला बना लेना है, चारों तरफ से एक तरफ से केवल खुला छोड़ना है। तो ये देखिए, ये हमारा तीन तरफ से सिलाई हो चुका है, और ये हमारा एक तरफ से खुला है। ये देखिए, मैंने इधर से खुला छोड़ रखा है, और बाकी तीन तरफ से मैंने सिलाई करके इसको पैक कर लिया है, इधर सिलाई हो गया है। अब हमें इसको उल्टा नहीं करना है, हमें इसको सीधा नहीं करना है, हमें इसको उल्टे साइड से ही इसको सीधा बिछा लेना है। अब इसके उल्टे साइड में ही हम इसके ऊपर कपड़े बिछाएंगे। तो हमें सबसे पहले पर्थ में थोड़े बड़े बड़े कपड़े बिछा लेने हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल छोटा छोटा स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो हमारा पलटेगा नहीं सही से। ये देखिए, हम कुछ इस तरीके के थोड़े बड़े कपड़े बिछा लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर से हम छोटे छोटे कपड़े अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना है। आप इसमें ग्लोव्स भी, सॉक्स भी, छोटे छोटे पैंट के टुकड़े भी, शर्ट भी, हाफ शर्ट भी, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, हैंकी, रुमाल, आप जो भी डालना चाहें इसमें आप आराम से डाल सकते हैं, और उसके आप इसमें बिछा सकते हैं। ये देखिए, पर आपको बिछाते इसमें ये ध्यान रखना है कि इस कपड़े को बराबर ही बिछाइए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार एक तह चार तह कपड़ा हो गया, कहीं सिंगल तह ही रह गया। आपको जहाँ भी बिछाना है तो मोटे पतले का अंदाज़ा करके आपका बिस्तर बराबर ही कपड़ा बिछे, और आपको बराबर कर करके ही बिछाना है, जगह कपड़े देख देख के। ये देखिए, मैंने ग्लोव्स भी डाल रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे सॉक्स भी पड़े हैं इसमें। तो इसके ऊपर से भी हमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़े बिछा लेने हैं छोटे कपड़ों के बाद, ताकि जब हमारा बिस्तर बने तो ये हमारा बिल्कुल बड़ा बड़ा कपड़ा ऊपर दिखे, छोटा ना दिखे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी दादी माँ हैं, इनके सहारे से, ये देखिए, ये हमें बता रहे थे कि इस तरीके से मोड़ के भी बनाते हैं। मैं एक बनाई थी गुदड़ी, तो उसको मैंने डायरेक्ट बनाया था, पर इन्होंने बताया कि इसको फोल्ड करके बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा इनका भी हेल्प ले लेते हैं। तो ये देखिए, आपको पलटना इस तरीके से, पलटना बहुत ही आसान है, मैंने भी इसको पलटा था, पर मैं आप सामने से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। ये देखिए, आपको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा नीचे वाले कपड़े को घुमाते जाना है, और ऊपर वाले कपड़े को आपको रोल करते जाना है। देखिए, बहुत ईजी है, और इस तरीके से अगर आप बिस्तर बनाएंगे तो आपका बिस्तर बहुत ही सुंदर बनेगा, और बाहर बिल्कुल मोटा नीचा ऊंचा नीचा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, इसको हमें आराम आराम से धीरे धीरे पलटते जाना है, और कोने से, दोनों किनारे से कपड़े को ऐसे इस तरीके से हटा हटा के, और फिर इसको घुमाते हुए जाना है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। ये देखिए, कितना आराम से पलट रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम परफेक्ट गुदड़ी बनकर तैयार होगा। ये अंदर वाला जितने आपने छोटे कपड़े डाल रखे हैं, इसमें वो कहीं मुड़ के नहीं जाएगा, इसी में साथ साथ रोल हो रहा है।
अभी मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि आपको करना क्या है। पहले हम इसको धीरे धीरे करके आराम आराम से सीधा कर लेते हैं, हमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें दो आदमी रहता है तो और जल्दी पलट जाता है, एक आदमी थोड़ा टाइम लग रहा है। दो आदमी दोनों किनारे से बैठ के और घुमाता जाएगा, पलटता जाएगा तो बहुत आसानी से जल्दी पलट जाएगा। तो आपको लास्ट में देखिए कि इस कोने को इस तरीके से हाथ से पकड़ के और खींच देना है, और इधर से भी आपको इस कोने में भी इसको पैर से दबा लेते हैं, और ठीक इसी तरीके से दूसरे कोने को भी इस तरीके से पकड़ के और हम खींच देंगे अंदर की तरफ। तो ये देखिए हमारा कमर सीधा भी हो जाएगा इस तरीके से, और ये सारे हमारे कपड़े पलट जाएंगे। ये देखिए कितना आराम से पलट गया। अब हमें इसको वापस से इस वाले कपड़े को छोड़ देना है, और इसको धीरे धीरे घुमाते हुए वापस खोलते हुए रोल हमें इसको नीचे ले जाना है। आपको हमारे चैनल पे फ्रिज का कवर, छोटी अलमारी का कवर, बड़ी अलमारी का कवर, डबल डोर फ्रिज कवर, कूलर का कवर, मिक्सर का कवर, आरओ का कवर, संदूक का कवर, शूज रैक कवर, आपको हर तरीके के कवर के वीडियो मिल जाएंगे। ये देखिए ये हमारा पलट गया कितना खूब सुंदर। अभी जो हमारा किनारे वाला है इसको हम अच्छे सेट कर लेंगे, इसके बाद हम इसके बीचों बीच इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए तो आइए मैं आपको इस पर सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमें इसको पकड़ के एक बराबर सारे कपड़े को अंदर फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करनी है। आइए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए एक में वीडियो बनाई थी गुसी गुदड़ी का, तो इसमें कमेंट आ रहा था कि मैं अपना धागा कौन सा लिया, तो देखिए हमारा धागा रजाई तानने वाला रील है ये। इसको हम सिंगल धागे से बनाएंगे, ये देख सकते हैं आप, आपको मार्केट में किसी भी दुकान पर आराम से मिल सकता है। और ये हमारी सुई है, ये देखिए हमारी छोटी वाली सुई है, बहुत छोटी वाली नहीं, जिसको हमारे यहाँ मजली सुई बोलते हैं। ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंगुल का इसकी लंबाई है। इसे आप अपने फिंगर पकड़ेंगे तो आपके 4 उंगली के बराबर ही आएगा जो हमारी सुई है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, हम इन सारे कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और इसके बाद आपको सिलाई कर लेना है ताकि आपके कपड़े बाहर ना निकले। मैं एक वीडियो बनाई थी तो उससे कई सारा कमेंट आ रहा था कि मैम आप थोड़ा आराम आराम से बताइए, तो मैं इस गुदड़ी के वीडियो में आपको पूरा पूरा दिखा रही हूँ कि आपको कहाँ से क्या कैसे करना है। ये देखिए आपको पूरा पूरा मैं दिखाऊंगी कि आपको पूरा सिलना कैसे और इस धागे को बांधना कैसे है आगे चल के। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका गुदड़ी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, बहुत सुंदर बनेगा। अगर आप वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो आपका समझ में नहीं आ पाएगा और आपका गुदड़ी ख़राब हो सकता है। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सब हमारे बड़े बड़े वीडियो हैं जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस गुदड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है, पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर काम भर का है, हमें जितना यूज करना है उतना हमने बना लिया है। लेकिन जब हमारे पास कमेंट आ रहा था कि मैं बहुत आसान तरीके से गुदड़ी बताई जिसमें सारा कुछ बताइए, तो इसलिए मैं आपको एक गुदड़ी बना के बता रही हूँ आपको अच्छे से, कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ सके और आप भी अपने घर पर बैठे गुदड़ी बना सके बिना किसी से पूछे, बिना किसी के राय से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन कपड़े फेंके मत, जरूर ये गद्दा बनाइए।
ये देखिए मेरे नीचे वाली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो हमें इसके ऊपर से सिलाई चलानी है। तो ये देखिए मैं सिलाई चलाना, हमें बिल्कुल किनारे से स्टार्ट करना है और हमें सबसे पहले किनारे वाले पे साइड से 2 अंगुल छोड़ के और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए आपको ये सुई, मैं आपको दिखा दूँ कि सुई हमारा 4 अंगुल ही है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा नहीं है। इसको हमें नीचे से हाथ लगा लेना है और इसके बाद आपको छेदना है। ये देखिए बहुत आराम से निकल जाते हैं। अगर आप इसमें गांठ वाले कपड़े डालेंगे तो सुई आपका छेदेगा नहीं और वहाँ आपकी गुदड़ी ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें गांठ नहीं है तो सुई आराम से धस जाएगा और निकल जाएगा। ये देखिए कितना आराम से सिल दे रहा है। तो हम इसी तरीके से इस पर 8-8 अंगुल के गैप डाल के इस पूरे पे सिलाई कर देंगे। तो आइए हम इसको सिल लेते हैं। ये देखिए ये बहुत आराम से सिल जाता है। ये जब हमारा धागा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको बांधना दिखा दूँगा आपको बांधना कैसे है। तो जहाँ भी आपका धागा ख़त्म होगा आप उसको इस तरीके से गांठ बना देंगे तो धागा आपका खुलेगा नहीं और आपका गुदड़ी भी नहीं निकलेगा इसमें से। हम इसी तरीके से इस पूरे पर सिलाई चला लेंगे और जो हमारा सबसे बीच में आ जाएगा तो आप बीच में कैसे सिल सकते हैं। तो देखिए आपको बीच में सिलने के लिए आपको कहीं से हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे एक हाथ से हल्का सा इस पर दबा लेंगे सहारा देके और दूसरे हाथ से आपको इसमें सिलाई करना है। और आपको सिलाई जब ऐसे दबाएंगे तो आपको फर्श में जाके सुई का नोक लड़ने लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि यह हमारा सुई नीचे तक पहुंच गया है। और जब हम सिलते हैं तो हमें समझ में आ भी जाता है कि हमारा सुई नीचे तक गया है कि नहीं गया है। तो हम इसको ऊपर से ही ऐसे मोटे इतने गुदड़ी को सिलेंगे कि हमारा अंदर वाला भी कपड़ा सिलाई में आ जाए। मैं अभी आपको थोड़ा सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक सिला है और सेम यही सिलाई मैंने यहाँ तक कभी सिल के लाया है। और इसके पीछे साइड में देखिए धागा दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा सारा सिलाई 8-8 अंगुल पे कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको पलट के दिखा दूँ कि हमारे इस साइड में धागा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये पास से फिर देख सकते हैं हमारा सारा धागा 8 अंगुल पे 8 अंगुल गैप डाल डाल के सिला हुआ है। अब हमें इसके बाद 2-2 अंगुल पे 3-3 अंगुल, देखिए मैंने इधर 3-4 सिलाई चला रखी है। हमें इसको पास पास में सिलाई कर लेना है। आप जितना पास पास इस पर सिलाई करेंगे उतना ही आपका गुदड़ी मजबूत होगा और जितना दूर दूर करेंगे उतना आपका गुदड़ी जल्दी फट जाएगा। तो हमें इसको फाड़ना नहीं है, हमें इस पर थोड़ा पास पास सिलाई कर देना है ताकि हम बहुत दिन तक इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि ये सारे सामान बार बार नहीं बनाए जाते हैं, एक बार बन जाते फिर कुछ सालों तक यूज करते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम इसी तरीके से बिल्कुल पास पास पूरे गुदड़े पे सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सिलाई हो रहा है, हम पूरे पे सिलाई चला लेते हैं। तो देखिए हमारे पूरे गुदड़ी पे सिलाई अच्छे से चल चुका है, देख सकते हैं आप। अभी हमारा गुदड़ी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप चाहे जैसे उठाइए, जैसे पटकिए, जैसे धोएंगे, जैसे सोएंगे, इस पर उठेंगे बैठेंगे, हमारा कहीं ख़राब होने वाला नहीं है, ये हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब आइए हम इसका कवर बनाना बताएंगे आपको कि इसका कवर आपको कैसे बनाना है। तो देखिए आपको अपने गुदड़ी को इस तरीके से बिछा लेना है, उसके बाद आपको उसकी चौड़ाई का माप लेना है सबसे पहले। तो देखिए इसकी चौड़ाई है हमारा 1.5 साड़ी भर का है और इसकी लंबाई हमारा कुछ इस तरीके से है। तो हम इतने कपड़े को जब डबल करेंगे
इस तरीके से हमारे एक साइड से हमारा मुंह सिला हुआ रहेगा और दूसरी साइड से हमारा खुला रहेगा। तो देखिए हम यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेते हैं और यहाँ से मैं सिलते हुए जिधर से हमारे मुंह खुला हुआ है इधर से मैं एक तो सिलाई अंदर के साइड में भी करना है। ये देखिए, आइए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कि हमारा जो चौड़ाई साइड से था उसको हम एक बिता इस तरीके से माप के और मशीन पर रख लेंगे और उसके बाद आपको एक बिता ही बंद करना है एक साइड से। इसके पहले मैं एक गुदड़ी बनाई थी तो उसमें मैंने कवर नहीं लगाया था, बस मैं उसमें सिर्फ बताई थी कि आप चाहे तो इस पर कवर भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए कि मैम कवर भी बनाना बताइए, तो मैं इस वीडियो की इस गुदड़ी के साथ ही अपने कवर का वीडियो भी एड कर दे रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियो थोड़ा देखने में बड़ा लगे लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको गुदड़ी का शुरू से लेकर शाम तक सारा कुछ काम प्रोसेस बन जाएगा। ये देखिए, ये वीडियो आपको देखने में थोड़ा बड़ा ज़रूर लगेगा पर अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका गुदड़ी एकदम अच्छे से बनेगा। मैंने इसकी वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं किया है, मैंने सारा कुछ आप वॉल टू वॉल सामने फेस टू फेस किया है। ये देखिए, हम ठीक इसी तरीके से ये देखिए अभी हाँ जो हमारा इस तरीके से देखिए, हमें इसको सिलाई पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चीज़ के कवर के वीडियो डाल रखा है। आपको जिस भी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में आके और हमारे हर एक चीज़ की वीडियो को देख सकते हैं और अपने किसी भी चीज़ को कवर की वीडियो बना सकते हैं, कवर को बना सकते हैं सिल के। अब इधर से भी मैं एक बिता है इसका मुँह बंद कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद जो हमारा किनारी है इस किनारे को ऐसे फोल्ड करके सिल लेना है। देख सकते हैं आप, जब हमारे यहाँ पे कोना आएगा तो जैसे हम सूट का चाक बनाते हैं हमें ठीक उस तरीके से इस सूट के चौक को भी बना लेना है। देखिए हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा कवर सिलकर तैयार हो गया है।
अब आइए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि हमारा कुल में कितना इसका खुला मुँह बच गया है, बाकी दोनों साइड से एक एक बीता मुँह बंद हो गया है। ये देखिए, अब इस कवर को हमें सीधा कर लेना है। देखिए, इसको सीधा करने के बाद हम इसके इस कॉर्नर को पकड़ लेंगे और इसको दूसरे वाले कॉर्नर को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। उसके बाद हमें अपने गुदड़ी कोना को पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से, इसके बाद आपको इस पर लगा देना है, ऊपर साइड पकड़ के झाड़ देना है। फिर हम पीछे से पकड़ लेके इसको सीधा कर देंगे तो हमारा कवर एक बार में ही लग जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए हमारा कितना खूबसूंदर कवर बनकर तैयार हो गया है, गुदड़ी और कवर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।